नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन से हाउस प्लान की, जिसका साइज है 35x35। अगर इस मॉडल को आप बनाते हैं तो एक बेहतरीन सा लुक मिलेगा, साथ साथ आपको स्पेस और काफ़ी सारे बेडरूम्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। आज का मॉडल बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसको मैंने चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से कवर कर रखा है, घेर रखा है जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, और चारों तरफ विंडो भी दिया है क्योंकि वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, चारों तरफ उनका स्पेस था। यह मॉडल एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर क्रिएट की है 35x35 में, बाउंड्री वॉल का स्पेस अलग है, तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का पूरा देखिएगा, साथ साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस मॉडल का 2D प्लान डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान पर विजिट जरूर करिएगा। दोस्तों जिस मॉडल की आज हम बात कर रहे थे वो ये मॉडल है। बहुत ही खूबसूरत प्लान होगा क्योंकि इसको मैंने चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से भी कवर्ड कर दिया है, और फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको एक हट के और यूनिक देखने को मिलेगा। इसमें पोर्च का भी डिजाइन दिया है और साथ ही साथ मैंने चारों तरफ विंडो दी जहां जहां पॉसिबल हो सकता था, और चारों तरफ बाउंड्री वॉल ऑलरेडी मैंने बना ही दी है। इसमें इस मकान में आपको वेंटिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। काफ़ी समय लगा मुझे इस मॉडल को बनाने में, बट इस मॉडल को मैंने बनाया तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत मॉडल होने वाला है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये फ्रंट एलिवेशन होने वाला है आपका, और इसी मॉडल को अगर हम डिस्कस करने की बात करें तो मेन डोर जो मेन एंट्री होगी ये इस गेट से होगी, जो कि आपका लगभग 9.5 से 10 फीट का है, और साइड में भी मैंने डोर दिए हैं। अगर आप इस मेन डोर को नहीं ओपन करना चाहते हैं, इसके बाद एंट्री करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने लगभग 4-4 फीट के दो डोर दिए हैं। किसी भी डोर को ओपन करके आप अंदर जा सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इसका बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन। आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन, और उस पर ग्रिल भी दिए हैं। आप चारों तरफ पहले बाउंड्री वॉल ही देख लें जिससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल, और इसके बाद ये चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो गई। इसके बाद फ्रंट एलिवेशन का जो बाउंड्री का गेट है वो देख लें दोनों तरफ का पिलर पे। इसके बाद घर का डिज़ाइन आप देखिएगा कितना खूबसूरत होने वाला है। अब फ्रंट एलिवेशन बात करते हैं, फ्रंट एलिवेशन की, तो ये देखिए मैं जूम करता हूँ तो ये दो प्लस के बाद बीम, और इसके बाद आपका एक पोर्च सा टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। चारों तरफ ग्रीन एरिया वगैरह भी देखने को मिलेगा, और एक खूबसूरत मॉडल है। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर, जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से स्टेयर्स दी है मैंने। इस पोर्च पर आप जाएंगे पिलर के साथ, देख सकते हैं टॉप व्यू अगर मैं दिखा दूँ आपको ये, और ये मेन एंट्री है, मेन डोर है, जहाँ मेन डोर दोस्तों इसका ये होने वाला, देख सकते हैं राउंड शेप में। इसके दोनों तरफ विंडो, छोटे से विंडो भी दिए हैं विद फ्रेम। इसके बाद इधर बेडरूम है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, इस वजह दोनों तरफ से मैंने विंडो दिया है। आप देख सकते हैं साइड से दिखाना चाहूँगा तो इधर भी बीम का डिजाइन है, और इधर राइट साइड पर भी बीम का डिजाइन है। अब जैसे पोर्च से होते हुए मेन डोर से एंट्री करेंगे तो आप पहुँच जाते हैं अपने मकान के अंदर। अंदर जाते ही आपको लेफ्ट और राइट साइड दो पोर्शन में घर देखने को मिलेगा। एक पहले राइट हैंड साइड को मैं डिस्कस करेंगे तो इधर एक बेडरूम है, इस बेडरूम में मैंने यहाँ से अंदर से डोर दिया है, और एक फ्रंट से विंडो और एक साइड से विंडो, जिससे प्रॉपर बेडरूम का वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टेयर केस मिलेंगी, आपको इधर से टर्न होकर वापस जाना होगा, यहाँ पर स्टेयर्स मिल जाती हैं। और इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो इस कॉर्नर पर आपको एक बेडरूम मिलेगा, इस बेडरूम के लिए इधर से डोर है, और कॉर्नर का क्योंकि ये बेडरूम है तो दोनों तरफ विंडो, इधर भी और इधर पीछे साइड भी आपको विंडो मिलेगी, तो इस बेडरूम का भी प्रॉपर वेंटिलेशन होने वाला है। बात करते हैं अंदर की, तो ये आपका किचन है दोस्तों, मैं यहाँ डोर लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर ये किचन में आपका बेहतरीन सा डोर यहाँ लगा है, इसे एंट्री करेंगे। पीछे इसके एक विंडो दिया है किचन के, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, तो ये किचन एरिया हो गया। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पर सिमिलर बिल्कुल बेडरूम इस कॉर्नर पर एक बना है जिसमें दोनों तरफ विंडो लगी हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इस वाले एरिया में मैंने दो लेट एंड बाथ क्रिएट किए हैं, देख सकते हैं जितना इधर स्टेयर के एरिया था उसी एरिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, तो आप इन्हें एक भी बना सकते हैं या दो बना सकते हैं, स्पेस काफ़ी है। इसके बाद फ्रंट में लेफ्ट हैंड साइड फ्रंट के कॉर्नर पर भी एक बेडरूम जिसपे दोनों तरफ से विंडो, प्रॉपर तरीके से आपको चार बेडरूम के साथ आंगन और पोर्च, स्टेयर्स और लेट बाथ के साथ बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी होता है। चारों तरफ ओपन स्पेस है, इस वजह से विंडो की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपके पास ओपन स्पेस नहीं है तो आप विंडोज़ को हटा सकते हैं जो आसपास मैंने लगा रखी, बीच में आप जाल रखवाइएगा जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की।
तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे तो मकान सिमिलर है, बट ये पोर्च देखिएगा, पोर्च पर जो मैंने रेलिंग बनाई, ग्रिल बनाई है, देखिएगा आपका ग्रिल का डिजाइन देखिएगा, बीच में यू शेप में मैंने कर्व दिया है और ये आपकी बेहतरीन से ग्रिल बनकर रेडी होती पोर्च में। बाद बाकी पूरा ग्राउंड फ्लोर का टू कॉपी बना हुआ है मॉडल, चारों बेडरूम्स, किचन, लीड बाथ दोनों तरफ, आंगन, स्टेयर, सारा डिटेल डिक्टो बना हुआ है, कॉपी पेस्ट मैंने किया है, आप इसे बोल सकते हैं। मेन डोर आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने पोर्च के एरिया में या बालकनी में आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। और टू कॉपी मॉडल बना है, जहाँ पर विंडोज थी वहाँ पर विंडो, जहाँ पर डोर थे वहाँ डोर, जहाँ स्टेयर था वहाँ स्टेयर्स। तो ये देखिएगा कितना खूबसूरत प्लान आपके सामने बनकर रेडी होता है और ग्रिल भी आप देखिए कितना सिल्वर कलर की खूबसूरत लग रही है। वहीं बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर दोस्तों 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और फ्रंट में ग्रिल का वही डिजाइन सिमिलर बनकर रेडी हो जाता है। तो एक खूबसूरत सा और अट्रैक्टिव मॉडल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इस मॉडल को बनाने में काफ़ी समय लगा बट जब बनकर रेडी हुआ तो एक लग्जरी हाउस जैसे बोल सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से बेहतरीन सा हाउस जैसे बोल सकते हैं। 4 बेडरूम नीचे हैं, 4 ऊपर, टोटल 8 बेडरूम बनकर इस घर में रेडी हो जाते हैं। तो एक खूबसूरत सा मॉडल ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल नहीं लगेगा, आप व्हाट्सअप पर हमें चैट करिएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करूँगा और आपसे बात करके आपसे पूरा डिटेल लेकर ही हाउस क्रिएट करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।